See the man who won't stay for your meal. Give another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. सलमा आपी ने आपके लिए भिजवाए हैं। अरे वाह, कैसी रही तुम्हारी चाय की दावत? बहुत मजा आया अम्मी, अनीका भी आई थी। अम्मी आपको पता है, अनीका ने अपनी क्लास में औरतों के विरासती हकूक के बारे में सीखा था, तो वो चाह रही थी कि हम सबको भी बताएं। अम्मी, नाना जान की विरासत में से आपको कुछ मिला था? हाँ बिल्कुल, मुझे मेरा हिस्सा मिला है। तुम बताओ अनीका ने क्या बताया? मैं बताती हूँ। वर्षा की तीन किस्में होती हैं। पहली जवीउल फुरूज, जिनके हिस्से मुकर्रर होते हैं। दूसरी असबात, जिसमें करीबी रिश्तेदार हकदार होते हैं। तीसरा जवीउल अरहाम, जिसमें दूर के रिश्तेदार शामिल होते हैं। शाबाश बेटा, लेकिन ये सुन्नी अकायद हैं। हम फिकाए जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं और हमारा विरासती अकीदा और कायदा और कानून सुन्नी कायदे कानून से थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं बताती हूँ, फिकह जाफरिया के कवायद के मुताबिक विरासत में जवीउल अरहाम की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए दूर के रिश्तेदारों का किसी भी सूरत में कोई विरासती हक नहीं होता। हमारे कानून में विरासत तीन तबकों में तकसीम होती है। पहला तबका, मुतवफ़ी के वालिदैन, बीवी और बच्चे। दूसरा तबका, मुतवफ़ी के बहन भाई और दादा दादी या नाना नानी। और तीसरा तबका, चाचा, फुप्पो, मामू, खाला और उनके बच्चे। जब तक पहले तबके से वरसा मौजूद है, विरासत दूसरे तबके में बांटी नहीं जा सकती। और अगर दूसरे तबके के वरसा हयात हैं, तो विरासत तीसरे तबके में तकसीम नहीं की जा सकती। मतलब ये है कि फिकाए जाफरिया यानी शिया कवायद और कानून के मुताबिक, अगर पहले तबके यानी वालदैन, बीवी और बच्चे मौजूद हैं, तो दूसरे और तीसरे तबके के अफराद का जायदाद पे कोई हक नहीं बनता। मिसाल के तौर पर, अगर मुतवफ़ी के वर्षा में सिर्फ एक बेटी और एक भाई है, क्योंकि बेटी पहले तबके से है और भाई दूसरे तबके से, इसीलिए ऐसी सूरत में बेटी को भाई पर फौकियत हासिल होगी और पूरी विरासत मिलेगी। आधा हिस्सा जवीउल फुरूज होने के नाते और बाकी का आधा रद के नाते। रद मतलब? जब सब वर्षा के हिस्से तकसीम होने के बाद विरासत बच जाती है, तो उसे वापस जवीउल फुरूज में बांट दिया जाता है, इसे रद कहते हैं। तो ऐसे सब बेटी को मिल जाएगा, तो बाकी लोग जैसे बीवी, दादा दादी, नाना नानी, इनको कुछ नहीं मिलेगा? बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए कहा था कि अगर बेटी और भाई के अलावा कोई जायदाद का वारिस मौजूद नहीं, तब बेटी को पूरी जायदाद का हक हासिल होगा। तो ऐसे फिकाए जाफरिया के कवायद और कानून में जवीउल फुरूज की नौ किस्में हैं। उन नौ में से छह औरतें हैं, बीवी, माँ, बेटी, बहन, पितरी बहन और मादरी बहन, और इन सब के हिस्से शिया और सुन्नी कानून में एक जैसे हैं। मुतवफ़ी की बीवी को औलाद होने की सूरत में 1/8 और ना होने की सूरत में 1/4 हिस्सा मिलेगा। बहनों का हिस्सा हम बताएं? चलो राबिया, अब तुम सगी बहन का हिस्सा बताओ। सगी बहन को मुतवफ़ी की विरासत का आधा हिस्सा मिलता है। अगर दो या दो से जायद बहनें हैं, तो 2/3 हिस्सा बराबर तकसीम होता है। अब एक मुश्किल सवाल, अगर दो सगी बहन के साथ एक सगा भाई भी हो, तो भाई का कितना हिस्सा बनेगा? भाई का हिस्सा भी बहन के बराबर ही होगा ना? शाबाश, सगे भाई बहनों में जायदाद बराबर तकसीम होती है, और ये एक अहम फर्क है। सुन्नी कानून में भाई का हिस्सा बहनों से ज्यादा होता है। लेकिन पितरी बहन को मुतवफ़ी की विरासत का आधा हिस्सा मिलता है। अगर दो या दो से जायद बहनें हैं, तो 2/3 हिस्सा बराबर तकसीम होता है। और मादरी बहन को विरासत में 1/6 हिस्सा सिर्फ तब मिलेगा जब मुतवफ़ी के वालदैन और औलाद हयात ना हो। और ये एक अहम मुमासलत है दोनों फिकों के कानून में। बिल्कुल, अब तुम दोनों ये अनीका और सलमा आपी को जाकर बताना। अब चाय खत्म कर लें।